आज हम दिल्ली के प्रगति मैदान के गेट नंबर 1 के सामने आए हैं। कल तक यहाँ एक जीवित बस्ती थी जिसमें तकरीबन 30 से 40 झुग्गियों में लोग रहते थे, अपना जीवन गुजर बसर करते थे। इसी तोड़फोड़ के बीच, इसी मलबे के बीच कई लोगों का वर्तमान जो है वो बिखर चुका है और कई बच्चे हैं जो यहाँ के एक स्कूल सबकी पाठशाला में पढ़ते थे, जिनका भविष्य भी बिखर चुका है और अब वो चिंता में है कि आगे क्या होगा। तकरीबन 30 से 40 बच्चे स्कूल में पढ़ते थे और 9 साल से स्कूल चल रहा था। स्कूल का संचालन नीतू जी कर रही थी। नीतू जी पिछले कई साल से बहुत अन्य संस्थाएं, रोटरी और अन्य संस्थाओं से जुड़ी हुई थी और बच्चों को पढ़ाती थी और समाज में कल्याण और एक अलग छाप छोड़ने का काम करती थी। तो इनसे जानेंगे कि क्या है मामला, क्या ये तोड़फोड़ का क्या कारण हुआ, क्यों PWD ने इसको तोड़ा, क्या ये मामला। नमस्कार, मेरा नाम नीतू सिंह है और सबकी पाठशालाओं को पिछले 9 सालों से मैं ही चला रही हूँ। जिस टाइम पे बच्चों को यहाँ पे पढ़ने के लिए मैंने इकट्ठा किया, उस टाइम पे इन बच्चों की एज 4 साल 5 साल 6 साल थी और ये ज़्यादातर बच्चे बैगिंग करते थे। उस टाइम पे मैंने सोचा कि इनको पढ़ाएं, इनको मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ और इनको ऐसे इस तरीके से निखारें कि ये समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। ये एक छोटा सा सपना, लेकिन बच्चों को मैंने इकट्ठा किया, 30 से 35 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पिछले 9 सालों में सैकड़ों बच्चे यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं। महिला एम्पावरमेंट के लिए भी हम पिछले काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं स्कूल के साथ जुड़ी हैं। एक एक तिनका स्कूल का डोनेट किया हुआ है। लाखों लोग स्कूल को विजिट कर चुके हैं और सिर्फ ये प्राइवेट लोग ही नहीं, सरकार की बहुत सी अथॉरिटी भी समय टू समय यहाँ पर आके अपने प्रोग्राम करती रही हैं। बट अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा ये बिल्कुल भी हमें बताया नहीं गया। जनवरी में बस्ती में नोटिस लगा जो प्रगति मैदान गेट नंबर 1 के सामने है कि इसको पूरा 15 दिन में तोड़ दिया जाएगा। बस्ती वाले उनके खिलाफ कोर्ट में चले गए। जो हमने पूछा कि क्या हमारा स्कूल भी जाएगा, तो हमें कहा गया कि आपको नोटिस मिला, हमने कहा नहीं। हमें कहा गया कि आपके दरवाजे पे कोई आया कुछ कहने के लिए, हमने कहा नहीं। तो लोगों ने कहा हमारी अथॉरिटी हैं, हमारे नेता हैं, उन्होंने कहा फिर आप क्यों शोर मचा रहे जब आपको कुछ नहीं कहा, आप शांति से अपना काम करिए। मंदिर और स्कूल तोड़ने के लिए अलग प्रावधान है, इन्हें बिना नोटिस बिना संज्ञान के तोड़ा नहीं जाता। आप एक सामाजिक काम कर रहे हैं, आपका घर थोड़ी ना है वहाँ पे, आप बेफिक्र रहिए, आपको नहीं तोड़ा जाएगा। और दूसरी बात कि आपका स्कूल रेलवे की जमीन पे, इस पे जो भी कार्रवाई करेगी वो रेलवे करेगी, आप निश्चिंत रहिए और अपना काम करते रहिए शांति के साथ। मैं निश्चिंत होकर अपना काम करती रही, हमारे डे टू डे की क्लासेस, हमारी एक्टिविटी, बच्चों का पढ़ना लिखना, लोगों का आना, इन्हें पढ़ाना, हुनर सिखाना, ये सारे काम हम करते गए। आज 6:30 बजे जब मैं स्कूल की तरफ आई कि कितना तोड़फोड़ हो रहा है, कि स्कूल को कोई नुकसान तो नहीं है, जब तक मैं आई 2-4 लोगों ने अपने षड्यंत्र से स्कूल को तब तक गिरवा चुके थे। और जब मैंने पूछा कि आपने कोई नोटिस नहीं दिया, जो कोर्ट की जजमेंट आई है उसमें कहीं पर सबकी पाठशाला का नाम नहीं है। 4 महीने से अथॉरिटीज यहाँ पे चप्पे चप्पे पे नजर रखे हुए हैं। सबसे उन्होंने बातचीत की, सबके मन की बात जानी कि उसका क्या कहना है, कौन कितना पुराना है। हमसे कोई मिलने आया नहीं तो इसको तोड़ कैसे दिया गया, और कोई भी इस बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सुबह 6 बजे से बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, हमारा एक एक सामान बिखरा है, बच्चों की किताबें, कॉपी, बस्ते, स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, हमारी दरी, हमारी कुर्सी, सब कुछ तोड़ दिया गया। कोविड के टाइम पे बच्चे ऑनलाइन क्लास ले सके इसके लिए हमें एक TV डोनेट किया गया था, उसको भी तोड़ दिया गया। ये सब चीज़ें क्यों की गई? 9 सालों से मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया था, ऐसी कौन सी चोरी की थी जो ये किया गया? एक तरफ बस्ती तोड़ी गई, दूसरी तरफ स्कूल तोड़ा गया, लेकिन मंदिर नहीं तोड़ा गया, गौशाला नहीं तोड़ी गई। मैं आप सभी लोगों से जानना चाहती हूँ, जो लाखों हजारों लोग और अथॉरिटी जो इसको देखेंगी, जिन तक ये मेरा मैसेज जाए कि गाय आपके लिए इम्पोर्टेंट है या ये 35 बच्चे जो पिछले 10 सालों से पढ़ रहे थे, जो सेकंड क्लास में थे आज 11th 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, जो अफसर बनना चाहते हैं, मीडिया में जानना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्या ये देश के काम आएंगे या ये गाय? 6 जुलाई को आप गायों को तो जगह दे रहे हो जिसमें की गिनती की 10 गाय है, लेकिन ये 35 बच्चे हो, वो 15 महिलाएं जिनके एम्पावरमेंट के लिए स्कूल काम कर रहा था, इनके लिए आपके पास कोई योजना नहीं है क्या? इन्हें आप दोबारा नहीं बसा सकते? G20 के सम्मेलन के लिए आपने लाखों करोड़ लोगों को बेघर कर दिया, अरबों रुपए खर्च करके विदेशी मेहमानों को आप स्वागत कर रहे हैं, क्या हम आपके देश के नागरिक नहीं हैं? क्या सरकार और प्रशासन के सहयोग में उनको आगे बढ़ाने के लिए, देश की GDP, देश की ग्रोथ के लिए, क्या हमने कुछ भी नहीं किया? क्या हमें कहीं नहीं बसा सकते थे? क्या इस छोटे से स्ट्रक्चर को आप ब्यूटीफाई नहीं कर सकते थे कि बच्चे पढ़ सकें? आप इस बात का जवाब दें। नीतू जी, तो ये सारी कार्रवाई PWD ने करी है और आपका कहना है कि ये जमीन रेलवे के अंडर थी। आप कहाँ कहाँ गई, कहाँ कहाँ प्रशासन में आपने गुहार लगाई स्कूल के बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, स्कूल को बचाने के लिए? मैं जब से स्कूल ये चल रहा है, पीछे 9 साल हो गया, 9 सालों में मेरे पास सबके कागज रखे हुए, जिनके लेटर मेरे पास आए, कि एक बीट कांस्टेबल से लेके मैं PMO ऑफिस तक गई,
मैं यहाँ के विधायक के पास गई, निगम पार्षद के पास गई, हमारी सांसद मीनाक्षी लेखी उनके पास गई, दिल्ली महिला इसके नाम बीजेपी की जो अध्यक्ष है मैं उनके पास गई, कमिश्नर को हमने लेटर लिखा, पीएमओ को लिखा, एसएचओ को लिखा, दिल्ली महिला आयोग को लिखा, मैंने मानव अधिकार आयोग को लिखा, सारी अथॉरिटीज को ही मैंने बताया कि यहाँ पे पीछे 9 सालों से बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमारे यहाँ पे घर नहीं है, हमारा कोई रैन बसेरा नहीं है, सिर्फ 3 से 4 घंटे हम यहाँ पे पढ़ते हैं, और उसमें भी हजारों लाखों लोग बच्चों से मिलने, उन्हें पढ़ाने, उनको स्किल ट्रेनिंग देने किसी न किसी तरीके से आते हैं, चाहे वो आप एनएसएस को कह लीजिए जो पिछले 5 सालों से बच्चों को पढ़ा रही है, आप रोटरेट क्लब को कह लीजिए जो पिछले 6 सालों से बच्चों को पढ़ा रही है, आप इनर व्हील को कह लीजिए जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, पिछले 5 सालों से बच्चों को रिफ्रेशमेंट दे रही है, इस तरीके की बहुत सारी संस्थाएं हैं, आप सीआईएसएफ को कह लीजिए जो प्रगति मैदान में सीआईएसएफ जिसको जो कि पूरे प्रगति मैदान को सिक्योरिटी देख रहे हैं, पिछले 6 सालों से उनका कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है तो सबकी पाठशाला के बच्चों के साथ ही होता है। हमारी उषा चतत मैम जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने भी स्कूल को जुड़ के स्कूल को कहीं ना कहीं मदद की, बच्चों के लिए स्टेशनरी, रिफ्रेशमेंट, हर तरीके से मदद की। क्या इतने लाखों लोगों का जुड़ाव एक गलत चीज़ के लिए था? किन लाखों लोगों का पैसा, इनकी एनर्जी, इनकी ब्लेसिंग क्या गलत काम के लिए थी जो इस तरीके से तोड़ दिया गया? क्यों नहीं सोचा सरकार ने? यहाँ स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चे भी हैं, हम इन बच्चों से बात करेंगे कि वो यहाँ क्या क्या पढ़ते थे, स्कूल के टूटने के बाद उनके दिमाग में क्या चल रहा है और आगे का क्या होगा। आपका नाम? मेरा नाम तरुण है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं तरुण? नाइन्थ कक्षा में। हाँ। तो आप यहाँ क्या पढ़ रहे थे रोज? जब मैं थर्ड या सेकंड में था तो मैं यहाँ पर आ करता था, तो जब मैं आ करता था तो मुझे कम से कम इंग्लिश और मैथ तो आती नहीं थी, तब वॉलंटियर रास्ते गया तो मैं सीखता गया, फिर जब और अपग्रेड होते रहना तो दीदी मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट, गार्डनिंग और अदर एक्टिविटीज सिखाती गई, जब मैं वो सब सीख गया ना तो मैं बालवन गया, बालवन मैंने रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स तबले और मैं सीखता रहा, फिर जब मैं यहाँ पर आया ना तो मैंने देखा कि सब टूटा हुआ है, तो हमने ये सब को देख किया, जो हमारी ऑनलाइन क्लास की टीवी आई थी उसको तोड़ दिया गया और जो लैपटॉप था वो तो बच गया था, और जो हमारे उसमें ट्रंक रखा था ना वो इतना तहस नहस हो गया था, और फिर जब हमने दीदी के सर्टिफिकेट, हमारे सर्टिफिकेट, हमारी ट्रॉफी, तुम्हें ट्रॉफी जीत के लाया था, वो पूरी मिट्टी के धस गई थी, और तीन ट्रॉफी तो धस गई टीवी मिट्टी के धस गई थी, तीन ट्रॉफी और दो ट्रॉफी तो ऊपर थी, तो हमने उन ट्रॉफी को लिया, उनको साफ किया, तो बड़ा दुख लगा कि मैं फालतू में बिना नोटिस के उसके बाद तोड़ दी। आपका नाम गुड़िया? मेरा नाम सीमा है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ, मुझे सबकी पाठशाला में पढ़ते पढ़ते पूरे 9 साल हो गए हैं, तो जैसा कि पता है आप लोगों की कि यहाँ पर झुग्गी टूट गई है सारी, तो इसका नोटिस पहले से ही आ गया था 6 महीने पहले, पर हमारे पाठशाला का कोई नोटिस नहीं आया था कि वो टूटेगी या नहीं टूटेगी, क्योंकि फिर वो रेलवे के अंडर में भी थी, और फिर उन्होंने तो आज वो झुग्गियाँ सारी टूट गई हैं, पर पता नहीं सुबह जब हम आए तो हमारी पाठशाला भी टूटी थी, जो बिना मतलब हमें बिना बताए तोड़ी गई, बिना उसके ना नोटिस हमें कुछ दिया, तो ये हमारे साथ बहुत गलत हुआ कि अब हम कहाँ पढ़ेंगे। आपका नाम? मेरा नाम आशु है और मैं 11th क्लास में हूँ, जैसे कि मुझे 9 साल हो गए यहाँ पे पढ़ते पढ़ते, और हम लोगों ने सबकी पाठशाला को बनाने में बहुत मेहनत की। आशु, आप यहाँ क्या क्या पढ़ते थे? आपका मतलब यहाँ कैसे समय व्यतीत होता था यहाँ पर? हम लोग, मुझे पहले कुछ भी नहीं आता था, मैंने बहुत सारी एक्टिविटी, डांस, ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, और पढ़ने के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ऑल सब्जेक्ट की हमें यहाँ पर पढ़ाया जाता था, और हमें और चीज़ें भी सिखाई जाती थी, गार्डनिंग वगैरह, हम कभी बाल भवन भी नहीं गए कि वहाँ पे कुछ नई चीज़ें, बाल भवन क्या होता है, उसमें क्या सिखाया जाता है, हमें दीदी ने बाल भवन में हमारा सबका नाम लिखवाया, अब हम वहाँ पे भी जाते हैं, पर हमारा स्कूल टूट गया, हमें इतना दुख हुआ कि हमने इतनी मेहनत की, और 2 मिनट के लिए किसी ने सोचा नहीं कि इतनी मेहनत हम लोगों ने 9 सालों से की, तो 10-5 मिनट रुक के कि हम अपना सामान तो निकाल लेते, कि जो हमारा इम्पोर्टेंट सामान था, कि जो हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से हमें लोगों ने डोनेट किया था कि हम उनसे अपनी क्लासेस और अपनी एक्टिविटी जारी रखें, बस इसी बात का दुख है कि हमारी सबकी पाठशाला टूट गई। अब आप अपना नाम बताइए गुड़िया पहले। मेरा नाम पार्वती है। पार्वती, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, टूटे हुए स्कूल को देखकर क्या आ रहा है दिमाग में? घबराहट, डर कि आगे क्या होगा, कैसे पढ़ोगी? यस।
आपका नाम? माय नेम इज मनीष। मनीष आप क्या पढ़ते थे यहाँ पे स्कूल में? यहाँ पे मुझे ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते थे, दीदी ने मुझे डांस सिखाया, सब कुछ सिखाया। ओके, क्या बनना चाहोगे बड़े होके? डांसर। डांसर, वाह ग्रेट। तो यहाँ इन बच्चों के माँ बाप भी हैं, इन माँ बाप के चेहरे पर देखा जा सकता है डर है, तनाव है अपने बच्चों को भविष्य को लेकर, इनके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है, तो इनसे बात करेंगे। तो जो ये तोड़फोड़ हो चुकी है, स्कूल टूट चुका है, तो उसके बाद कैसे बच्चे मैनेज करेंगे, कहाँ मतलब आप जाएंगे, कहाँ बसेंगे, कैसे बच्चों की पढ़ाई का होगा? सर कोई हमारा पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं, हमें तो कुछ चिंता हो रही है कि हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़े। हमारे बच्चों ने यहाँ रह के बहुत कुछ सीखा है, हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारे बच्चे ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। जो नीतू दीदी ने हमें साथ दिया, हमारे बच्चों को बहुत कुछ सिखाया, कभी बच्चों को पता नहीं था रास्ता, वो रास्ता उनने दिखाया, बहुत अच्छा अच्छा सिखाया हमारे बच्चों को। भविष्य में बहुत कुछ सोचा था कि आगे बढ़ेंगे हमारे बच्चे इन्हीं के सहारे, पर सरकार ने ऐसा हमारे साथ बहुत धोखा किया, हमारे बच्चों के साथ बिना नोटिस के तोड़ दिया। और सामान बाहर से लोग आते थे, सभी मदद करते थे बच्चों के लिए, एक से एक चीज़ है, सब चीज़ों से मदद थी बच्चे के लिए, सीख बच्चे का हुनर बढ़ने लगा था कि हमको अच्छा अच्छा सीखने को मिलेगा। आपके देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी आँखों में आंसू हैं, चिंता है, डर है, व्यथा है। आपका बच्चा कौन सी कक्षा में पढ़ता था जी? एक इसमें नौ में पढ़ती, एक आठ में पढ़ती। एक नौवीं में पढ़ती थी, आठवीं में पढ़ती। हाँ। जब आपने देखा स्कूल तोड़ा जा रहा है, तो आपके मन पे क्या बीता उस समय? मैं उस तरह मेरे झुक्की का सामान भी नहीं निकल पाया, मैं यहाँ पे आ नहीं पाई। एक तरफ घर टूटने का दर्द, एक तरफ बच्चों के भविष्य का टूटने का दर्द, वो साफ आपकी आंखों में देख सकते हैं। नीतू का भरोसा था मेरे बच्चे पढ़ लिख जाए। तो इन आंसुओं से हम समझ सकते हैं कि लोग कितने इमोशनल हैं, माँ बाप का और बच्चों का स्कूल से कितना कनेक्ट था। एक माँ बाप से हम और बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आपका बच्चा कौन सी कक्षा में है? ग्यारहवीं में पढ़ती। ग्यारहवीं पढ़ती। अब स्कूल तो टूट गया है, तो चिंता तो होती होगी इनके? चिंता तो बहुत है जी, अब क्या करें, मजबूर हो गए, हमने देखा ही नहीं है, घर देखे थे, पाठशाला देखते, बच्चों आए सुबह, बच्चों ने देखा, बच्चों घबरा गए, मम्मी हमारा पाठशाला टूट गया, जिससे हमको आगे बढ़ना था, हो गया सर। हम सोचते थे हमारे बच्चे आगे बढ़े, सरकार बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो हमारे साथ स्कूल संचालक, एक और स्कूल संचालक हैं, ये टीम के मेंबर थे। तो सर आपका नाम? मैं विजय, और मैं एक्चुअली एक आर्ट कॉलेज ग्रेजुएट हूँ 2005 से लेकर 9 तक। उसके बाद मैंने काफ़ी जगह गवर्नमेंट जॉब्स में और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काम किया, उत्तराखंड में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में मेरा प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। और जब मैं वहाँ से दिल्ली आया, बिकॉज ऑफ मेरी फैमिली यहाँ सेटल्ड है, तो मैंने देखा कि मेरे पास वो गैप को यूज़ करने के लिए मेरे पास कुछ समय नहीं मिल पा रहा था। सिटी में ना मैं मॉल में जाता था, कहीं मार्केट में जाता था, तो मैं बहुत ना लोनर फील करता था, क्योंकि मैं उत्तराखंड के उन जंगलों में रह के आया था, गाँव के बीच में। तो दिस वॉज द आइडियल प्लेस, जहाँ पे ना ये रियलिटी है कि मेरा ना बॉडी और माइंड ना सिंक्रनाइज नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। सिटी में आके पहाड़ों में मैं बिल्कुल फिट फील करता हूँ, या जंगल में या गाँव में, जहाँ पे कोऑपरेटिवली वी कोलैबोरेट एंड वी वर्क टुगेदर फॉर द सोशल कॉजेज विच आर इम्पॉर्टेंट टू एवरी फैमिली एंड इंडिविजुअल, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, वो महिला, ये महिला पुरुष की लड़ाई भी नहीं है ये ना, ये पॉलिटिक्स में हो या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो या कमर्शियल एंगल से हो, क्योंकि कॉमर्स और बिजनेस दो एंटायर यूनिट्स अलग है। एक चप्पल के 1000 चप्पल बनाना और एक एंटायरली नया डिज़ाइन बनाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस स्कूल के अंदर वो डिज़ाइन लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को सारे ह्यूमन एक्सपोजर वाइज, थिएटर, म्यूजिक, डांस, पोइट्री, क्रिएटिवली, लाइक ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग, सो दैट दे कम आउट ऑफ द फियर के हमें करना क्या है। उससे उन्हें रियलाइज हो रहा है कि यार कोई अपना लड़का होने में फंसा हुआ है, किसी को लगता है उसके पिताजी शराब पीते हैं, किसी के पिताजी मजदूरी करते हैं, आप ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे? दिशा दी जा रही है। सिटी में आपके लिए बहुत आसान है, सबके ना एक फॉर्मेट में घर है, फादर इज एन इंजीनियर, फैमिली का लीनियज है, सो एवरीबडी इज टेकन केयर ऑफ। These people are not taken care of properly by their own families because they cannot afford it. But the government
दैट कैन अफोर्ड इट। मनीष सिसोदिया का घर यहाँ पे पीछे से है और मैं यहाँ पे ना 2016 में हमने यहाँ फिल्म शूट किया था दूरबीन, जिसको अमेरिका में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था, 20 मिनट्स का शॉर्ट फिल्म था, मैंने और मेरे FTI के फिल्म मेकर्स फ्रेंड्स ने। उस फिल्म के बाद यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं समाव कनेक्टेड रहा 2016 से। तो मैंने देखा यार वो जो फिल्म बना के चले गए उनको अमेरिका में अवार्ड मिल गया और मेरे फ्रेंड्स थे, और बीच में इतना बड़ा गैप है, नोबडी हैज विजिटेड द स्कूल बैग, और किसी ने फिल्म स्क्रीन नहीं किया यहाँ पे अभी तक। और वो ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, उनके भी अपने चैलेंजेस हैं कि यार वो मार्केट में उनको फोर्सेस, फाइनेंसेस, बहुत सारी चीज़ें, मार्केटिंग, इतने ब्लॉकेजेस क्यों हैं, बिकॉज इट इज़ अबाउट द एजुकेशन, फिल्म इज अबाउट एजुकेशन, इट इज़ नॉट अ कमर्शियल थिंग, इट इज़ नॉट अ कमर्शियल थिंग, राइट। सो मेरा स्कूल क्यों तोड़ा, ये मेरी दोस्त पार्वती है, नंदिनी है, मनीष है, मैं इनकी तरफ से, मैं ये आज मेरे सामने जब सुबह रोए तो मेरी आत्मा से मैं कह रहा हूँ कि पार्वती का स्कूल तुमने क्यों तोड़ा। जिसने भी प्रोसेस को, कंप्लायंस को कहीं ब्रेक किया है, सुप्रीम कोर्ट ने हो, चाहे हाई कोर्ट ने हो, या प्रधानमंत्री ने बोला हो कि ये टूटना है, तो उसके मैप के आउटसाइड जाके अगर एक इंच भी तोड़ा है तो वो सारे ऑफिसर्स यहाँ पे आएंगे, माफी मांगेंगे और इसको रीबिल्ड खुद वो लोग करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ ये सबकी पाठशाला है, मेरे पढ़ने की भी और मेरे पढ़ाने की भी। तो जिसने प्रोसेस ब्रेक किया है, चाहे धर्म, जाति, किसी भी नाम पे किया हो, उसको यहाँ पे आके माफी मांगनी पड़ेगी। थैंक यू। तो पीछे बच्चे हैं, स्कूल संचालक हैं, माँ बाप हैं, साफ उनके चेहरे पर देखा जा सकता है घबराहट है, जमीन पर मलवा है, शक्ल पर घबराहट है, पर आगे क्या होगा ये किसी को कुछ नहीं पता।